अब्रहा का नाम आते ही अबाबील का नाम भी साथ में जरूर आता, इसलिए जरूरी है कि आपको अबाबील की कुछ खूबियां बता दें। ये एक छोटा सा परिंदा है, इसे ज्वारुल हिंद भी कहते हैं, और ये ऐसा परिंदा है जो आबादी वाले जगह में रहना पसंद करता है और इतनी ऊंची जगह पर अपना घोंसला बनाता है जहां कोई इंसान आसानी से पहुंच न सके। लोग इसे असफुरुल जन्नत यानी जन्नत की चिड़िया के नाम से भी जानते हैं। ये खुराक में सिर्फ मक्खी और मच्छर खाते हैं, अनाज वगैरह बिल्कुल नहीं खाते, इसीलिए इंसान इन्हें बहुत पसंद करते हैं। इस परिंदे को रबीब भी कहते हैं, रबीब यानी सौतेला लड़का, क्योंकि ये वीरान जगह पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, हमेशा आबादी वाली जगहों पर रहना चाहते हैं। इसकी कई नस्लें होती हैं पर चार बहुत मशहूर हैं। सगीरुल जूसा, खुजेरी, स्माइम और स्नूनू होते हैं। स्नूनू नस्ल की अबाबील आज भी मस्जिद अल हरम में रहना पसंद करती हैं और आसानी से दिख जा सकती हैं। ये वही अबाबील है जिन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से अब्रहा के हाथियों वाली फौज को तबाह व बर्बाद कर दिया था। अल्लाह ने एक आयात भी नाजिम की अलम तर कैफा के नाम से, जिसमें इस वाकया को बताया गया है। साथ ही अल्लाह ने हमें ये भी बताया है कि ए लोगों, मुझे जब जिससे जो काम लेना होता है ले लेता हूँ। तुमने मेरे घर काबा की हिफाजत नहीं की तो क्या? हमने दिखाया नहीं कि उन छोटे परिंदों से अब्रहा की हाथियों वाली फौज को कैसे हलाक कर दिया? अबाबील वाली आयात तो लोग बचपन से ही सुनते आए हैं, पर अक्सर लोगों ने अबाबील को आज भी नहीं देखा है। अगर सही लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज की लिंक पर जाकर लाइक जरूर करना। ये सुनकर कैसा लगा कमेंट जरूर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।